आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, जिस प्रकार से मैं रोज़ किसी न किसी अच्छे व्यक्ति से जो संघर्ष करके अपने नीचे वाले मुकाम से बहुत ऊपर पहुंचा है, जिसने अपना नाम बहुत बड़ा बनाया है, प्रसिद्ध हुआ है, अपनी मेहनत के बलबूते पर मैं उनसे आपको मिलवाता रहता हूँ। और इसी कड़ी में आज मैं मिलवाता हूँ आपको जेजेपी पार्टी के युवा नेता से। तो आपको पता है जेजेपी पार्टी अब आजकल बहुत ही ऊपर चलती हुई है, जिसके साथ आजकल हमारी जो सरकार है वो भी बनी हुई है गठबंधन से। तो जेजेपी के जो युवा नेता है उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ, और नाम है इनका जॉनी जी, और मैं मिलवाता हूँ उनसे। तो स्वागत करते हैं जी इंडिया न्यूज़ 16 में। धन्यवाद प्रदीप कौशिक जी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा इंडिया न्यूज़ 16 का, के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। तो सर, ये बताएं कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हो, जिस प्रकार से आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, भाई युवा नेता आप जेजेपी के हो, तो लोगों की किस प्रकार से सहायता करते हो, किस प्रकार से आप उठ के आए, नीचे वाले स्तर से उठ के आए और आप यहाँ पर काम करने लगे, लोगों के मन में आपकी क्या प्रतिभा है, क्या आपका जो उद्देश्य है लोगों के प्रति वो क्या करने का है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2009 से मैंने राजनीतिक करियर अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद मैंने इनेलो पार्टी ज्वाइन की 2009 से। तो उसके बाद लगातार मैं अपने मेहनत करके और भाई सब एक काम करवाया, लोगों के काम करवाए और मेहनत की, उसके दम पर मैंने अपनी पहचान बनाई काम करवाने के दम पे। और उसके बाद मैंने अभी इलेक्शन से पहले मैंने INLD पार्टी को छोड़ी और जेजेपी पार्टी ज्वाइन की भाई दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में। तो मैं आगे लोगों के काम करवाना चाहता हूं और मेरे चुनाव लड़ने की भी इच्छा है, और चुनाव मैं लड़ूंगा। सबसे पहले तो मैं सभी मेरे वार्ड में जाकर सबसे पहले सभी से पूछकर तो मैं जब उसके बाद चुनाव की भी घोषणा कर सकता हूँ। तो जिस प्रकार से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, तो किस प्रकार का चुनाव लड़ोगे, सरपंची का लड़ोगे या जिला पार्षद का लड़ोगे या कहीं और आगे जाने का विचार है? मैं सबसे पहले तो जिला परिषद के चुनाव लड़ूंगा, वार्ड नंबर 5 से। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और सबसे बातचीत करके और आपके चैनल के माध्यम से विधिवत रूप से घोषणा करूँगा आपको बुला करके। जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि भाई मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो राजनीति में आप पहले पार्टी की तरफ से कार्य करते थे और अब आप खुद आप राजनीति में आके अपना नाम करना चाहते हो, तो राजनीति में आने के पीछे आपका क्या कारण है? राजनीति में मेरे आने का ये कारण है कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। गाँव में कोई भी हो, जैसे गरीब की मदद कर दी, किसी का कुछ भी जो भी है, मैं अपने लेवल पर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप अपने लेवल पे तो अभी काम कर रहे हो, तो राजनीति में आने के बाद किस प्रकार से करोगे? सरकार भी है, जेजेपी हमारी सरकार भी है, उसके माध्यम से मैं जैसे और बड़े काम भी करवाना चाहूँगा, जैसे गांव में गली वगैरह जो भी है, जो गांव की समस्या है, जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे राशन कार्ड वगैरह जो भी है, जिसके BPL के जो भी वो है, तो उसके माध्यम से मैं सरकार के माध्यम से जो भी किसी के गरीब की शादी करवा दी, ऐसे सभी काम करना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो कि गरीबों की सेवा करोगे। अब जो कोरोना महामारी चली हुई थी, काफ़ी दिन से लोग अपने घर पे बैठे हुए थे, तो इसमें आपने लोगों की किस प्रकार से सहायता की? इस महामारी के चलते मैंने सभी को घर घर जाके राशन बांटे, जो गरीब लोग हैं, और उनकी जैसे भाई साहब से कह के, दुष्यंत चौटाला जी से कह के इनकी मदद करवाई, राशन बंटवाया, सब कुछ वो किया मैं। बहुत अच्छी बात है, आपने जो कोरोना महामारी चली हुई थी उसके चलते गरीब लोगों को राशन बंटवाया, और हमारे जो डिप्टी CM हैं उनका भी सहयोग रहा इसमें, बहुत अच्छी बात है। तो सर, ये बताएं जिस प्रकार से अब आप आगे के बारे में सोच रहे हो राजनीति के बारे में, तो कोई ऐसा मुद्दा एक हो जो जिसकी कमी खल रही हो यहाँ पे, भाई ये काम तो हमारे एरिया में हो नहीं रहा, तो इसको पूरा करवाना चाहता हूँ मैं राजनीति में आके।
राजनीति में आके तो सर मैं ये करवाना चाहूँगा कि अपना महेंद्रगढ़ काफ़ी पिछड़ा हुआ है जी। दो नेताओं ने यहाँ राज किया है, राव दान सिंह जी ने और रामविलास शर्मा जी ने। इन्होंने आज तक कुछ भी कार्य नहीं करवाया, पिछड़ा के पिछड़ा रह गया अपना महेंद्रगढ़। हाँ जी, और मैं बताना चाहूँगा कि अब जो पीछे नाम बदलने की बात आई थी तो हमने दुष्यंत चौटाला जी से बात करके उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि भाई हम ऐसे मना जैसे बदले नहीं देंगे नाम। नाम बदलने को लेकर जो हमारे महेंद्रगढ़ का नाम नारनौल करने की बातचीत जो चली हुई थी उसको लेकर आपने दुष्यंत चौटाला जी से बात की? बिल्कुल जी, मैंने बात की दुष्यंत चौटाला जी से और राव रमेश पाल्डी जी ने, हमने मिलके बात की इनसे दुष्यंत चौटाला जी से, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। जैसे हमने कह भी दिया था कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम जो महेंद्रगढ़ संघर्ष समिति बनाई गई थी तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात है जिस प्रकार से आप बात बता रहे हो कि महेंद्रगढ़ के लिए आप पूरे सब से भिड़ जाओगे लेकिन नाम नहीं बदलने दोगे। बहुत अच्छी बात है, सही आपने काम किया। तो आज जैसे आप बता रहे हो कि आज आपका जन्मदिन है, तो आज ऐसा क्या खास काम करोगे जिससे आप अपने जन्मदिन को यादगार बना पाओ? आज मेरे जन्मदिन का मकसद ये है कि आज मैं जो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, आज मेरा मकसद ये है, जो हमारे जो बनी बनी हुई है गांव की, उसमें पक्षियों के पानी के पीने के लिए सकोरे रखवाऊंगा। अच्छा, किस प्रकार से सकोरे, कितने सकोरे रखवाओगे और जैसे पानी का बंदोबस्त करोगे उस साथ खाने का क्या बंदोबस्त रहेगा पक्षियों के लिए? दाना वगैरह डलो। आज आप 1000 सकोरे अपने गांव के जो जंगल है वहां पे पक्षियों के लिए रखवाने वाले हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये अगर इस मुहिम को अगर हम स्टार्ट करें, जैसे भी हमारा जन्मदिन आता है, कोई भी ओकेजन आता है, उस पे अगर हम जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ नया करें, उनकी सहायता करें। वो बोल नहीं सकते लेकिन उनको ज़रूरत तो हर चीज़ की होती है, अगर हम उनके लिए थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे हमारा जो संरक्षण है वो बना रहेगा पृथ्वी का, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो आपका कोई पेड़ वेड़ लगाने का प्रोग्राम भी है क्या इस जन्मदिन पे? हाँ जी बिल्कुल, पेड़ भी लगाएंगे, वातावरण साफ रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए पेड़ों की व्यवस्था करेंगे लगवाने। बहुत अच्छी बात जिस प्रकार से बताई। तो अब आप जो चुनाव है उसकी घोषणा कब तक करोगे, भाई मैं कब तक चुनाव लड़ूंगा? चुनाव की घोषणा मैं 10 या 12 दिन में घोषणा कर दूंगा, मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। वार्ड के सभी जो भी लोग हैं उनसे पूछ के, बैठ के बातचीत करके, सलाह मशवरा करके, विधिवत रूप से आपके चैनल के माध्यम से ही मैं घोषणा करूंगा चुनाव लड़ने की। बहुत ही अच्छी बात बताई जोनी चितलांग जी ने, जो JJP पार्टी के युवा नेता हैं, और उन्होंने किस प्रकार से बताया कि उन्होंने कोरोना के चलते जो गरीब लोग हैं उनकी बहुत सहायता की, और आज इनका जन्मदिन है तो मैं कामना करता हूँ इनकी बहुत लंबी उम्र हो। जिस प्रकार से ये जीव जंतुओं के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करवाने वाले हैं और हमारा जो वातावरण है उसको अच्छा बनाने के लिए, प्रदूषित न हो, जिसके लिए पेड़ लगाने वाले हैं, और आगे ये सोच रहे हैं कि ये चुनाव भी लड़ेंगे, और जैसे ही इनका ये सभी से अपनी बातचीत पूरी करके चुनाव लड़ने की घोषणा करेंगे तो हम जल्द ही आपको बताएंगे। और इसी प्रकार से संघर्षशील लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।